हमारे बचपन में पिताजी किसी फादर डे के मोहताज नहीं थे। जब भी उनका दिल करता था जूता उठाकर याद दिला देते थे कि मैं बाप हूँ। सुकून की बात मत कर ऐ दोस्त, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। आजकल के बच्चों को सब्जी पसंद ना आए तो माँ कितने ऑप्शन देती है, मैगी खा लो, पास्ता खा लो, सैंडविच खा लो। हमारी माँ के पास तो केवल दो ऑप्शन होते थे, सब्जी खाएगा या चप्पल। हम दोनों खा लेते थे, पहले चप्पल फिर सब्जी। बचपन में सबसे ज़्यादा दुख तो तब होता था जब रात भर चल रही बारिश सुबह स्कूल के टाइम पर बंद हो जाती थी। बचपन की वो अमीरी ना जाने कहाँ खो गई, वरना हमारे भी पानी में जहाज चला करते थे। बचपन में जब बुखार होता था तो डॉक्टर की एक ही बात अच्छी लगती थी कि दो दिन नहाना मत और स्कूल मत जाना। वो स्कूल का जमाना जब वो लंच टाइम के बाद क्लास में अचार की सुगंध आना बहुत याद आता है। सब कुछ मिल जाएगा इस जिंदगी में, पर वो समय दोबारा नहीं आएगा। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर बाय बाय करते हैं, जैसे स्कूल में नहीं जंग में जा रहे हों। हम तो रोजाना एक लात खाकर जाते थे। जिस दिन लात नहीं पड़ती थी हम समझ जाते थे कि आज संडे है। भरी दोपहरी में टायर लेकर नाप आते थे पूरा गांव, बड़े हुए तो धूप से पांव जलने लगे। हमारे बचपन में 3G 4G नहीं होते थे, सिर्फ गुरुजी और पिताजी होते थे। एक ही थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। एक जमाना था जब पड़ोसी भी परिवार का हिस्सा हुआ करते थे, आज तो एक ही परिवार में कई पड़ोसी बन गए हैं। किसी को लोन की फिक्र है तो कहीं हेल्थ टेस्ट का जिक्र है। कल जो प्यार के खत लिखते थे आज बीमे के फार्म भरने में लगे हैं। दिन भर जो भागते दौड़ते थे वो अब चलते चलते भी रुकने लगे हैं। सब पर भारी जिम्मेदारी है, सबको छोटी मोटी कोई बीमारी है। फुर्सत की सबको कमी है, आंखों में अजीब सी नमी है, पर हकीकत यही है सब दोस्त अब थकने लगे हैं। किसी का पेट निकल आया है तो किसी के बाल पकने लगे हैं, पर हकीकत यही है सारे दोस्त अब थकने लगे हैं।